पंजाब दानिश स्कूल जन में सालाना रिजल्ट का ऐलान। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पुरवकार तकरीब का इनाकाद। बच्चों में इनामात तकसीम किए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर एन न्यूज़ आसिफ खुर्शीद से। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, पंजाब दानिश स्कूल जंड में बच्चों के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए शानदार पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ हस्ब रवायत तिलावत कुरान पाक और नातखानी से किया गया। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया और बच्चों ने टेबलो पेश किया। इसके बाद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा और तलबा के लिए इनामात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें पहली पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को 10-10 हज़ार के नकद कैश इनामात बदस्ते स्कूल प्रिंसिपल राजा इफ्तखार अहमद नवाजा गया। आखिर में तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल राजा इफ्तखार का कहना था कि हमारी तवज्जो बच्चों की न सिर्फ तालीम है बल्कि हमारी तरजीहात में तरबियत भी शामिल है। हम बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम के जेवर से रोशनास करवाते हैं ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगियों को तालीम के साथ साथ इस्लाम के मुताबिक ढाल सकें। हम बच्चों की भरपूर निगरानी करते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्ल इस दुनिया के अलावा अपनी आखरत को भी संवार सके। मजीद बरा प्रिंसिपल राजा इफ्तखार ने बच्चों को काबिलियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि हम जो बच्चे हमारे पास आते हैं तालीमी एतबार से बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उनके असातिज़ा की भरपूर मेहनत और कावश से आज वो बच्चे 90% नंबर लेकर पास हो रहे हैं। शहरी अफ्तारी के हवाले से प्रिंसिपल राजा इफ्तखार का कहना था कि माह सियाम में हमने बच्चों के लिए अपनी तरफ से भरपूर शहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया। आसिफ खुर्शीद, एन न्यूज़, अटक। ननकाना साहब PP 133 दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नवाज के राना मोहम्मद अरशद फातेह करार। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद 2571 वोटों की बढ़तरी से फातह करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार मियां आतिफ 41,478 जबकि राना अरशद ने 44,049 वोट हासिल किए। इस नशीस पर पहले आज़ाद उम्मीदवार मियां आतिफ फातह करार पाए थे। मुस्लिम लीग नवाज के राना मोहम्मद अरशद ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। चीचावतनी के नवाही इलाके इकबाल नगर शर्की बाईपास के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में नवाही गांव का 314 एल का रिहायशी शबीर हुसैन मौका पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे में जाँ बहक होने वाला शख्स मोटरसाइकिल पर इकबाल नगर से मियां चन्नू की जानिब जा रहा था कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मजीद कार्रवाई के लिए लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चीचावतनी खून सफ़ेद हो गया, भाइयों ने भाई को कत्ल कर दिया। चीचावतनी के नवाही गांव 8612 में कत्ल की वारदात। मामूली तलखलामी पर सगे भाइयों ने छुरियों के वार से 18 साल छोटे भाई शाहिद को कत्ल कर दिया। वकुआ के बाद मुलजमान मौका से फरार हो गए। बंगला पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिस भी पतंगबाजी के ख़िलाफ़ मैदान में आ गया। शहरियों को पतंगबाजी और धाती डोर के संगीन नुकसान बारे आगाही फराहम करने के लिए वॉक का अहतमाम। आगाही वॉक में डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ननकाना साहब ज़कावर रहमान साहब की क़्यादत में आगाही वॉक का अहतमाम किया गया। आगाही वॉक में प्रोसिक्यूशन ऑफिस के अफसरान सरदार मोहम्मद काशिफ सरफराज, बिलाल अब्दुलरऊफ, मलिक खालिद महमूद, मोहम्मद अरशद डोगर, बिस्मिल्ला वट्टू, मंजर सईद, ममूना असलम, आगा बशारत, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुलाजमीन चौधरी मुबशर गुजर, शमीम असगर अली, अब्दुल खालिक, इमरान टोरी, DSP लीगल मोहम्मद नईम, मिर्ज़ा जहांगीर इंस्पेक्टर ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ज़कावर रहमान साहब ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। पतंगबाजी एक खूनी खेल है, पतंग की डोर से किसी की सांस की डोर ना कट जाए। किसी की तफरीह इंसानी जान से कीमती नहीं हो सकती। इस ख़तरनाक खेल की रोकथाम हम सब की जिम्मेदारी है। पतंग फरोशी और पतंगबाजी में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा और कानून शक्नी पर भारी जुर्माने और कैद की सज़ा हो सकती है। धाती डोर तैयार और फरोख्त करने वाले भी सज़ाओं के लिए तैयार रहें। जो पतंग बेच रहा हो उसकी इतला 15 पर दें। आपकी एक कॉल एक जान बचा सकती है।
नौशहर फिरोज न्यू जतोई पुलिस का डाकुओं का ताकब करते लिंक रोड पर मुकाबला, दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार। पुलिस नज़र आलमानी और शहबाज आलमानी से डाकू मोटरसाइकिल और 2 लाख छीन कर फरार हो रहे थे। फायरिंग के तबादले में जख्मी डाकुओं की शिनाख्त इरफान बेहन और अजहर बेहन के नाम से हुई है। मुलजमान के कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान संगीन नौयत के मुकदमात में मुलविस हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजमान पर न्यू जतोई थाने में मुख्तलिफ नौयत के 4 मुकदमात दाखिल किए गए हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ बाग में भी अंजुमन जाफरिया के ज़ेरे अहतमाम एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की इसराइल और अमरीका के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी। मुल्क भर की तरह बाग आज़ाद कश्मीर में भी जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। नमाज जुम्मा के बाद मरकज़ी मस्जिद असना अशरी से एक एहतजाजी रैली निकाली गई और हैदरी चौक बाग में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की हमायत और ज़ालिम इसराइल की मज़म्मत उस वक्त फ़र्ज़ है, लेकिन मुकाम में अफसोस है कि दुनिया भर के मुसलमान हुक्मरान इस मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सिवाय ईरान के कोई भी मुल्क या हुक्मरान खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए आगे नहीं आ रहा। मुसलमान हुक्मरानों की इस मुजरिमाना खामोशी से इसराइल को जुल्म करने की शय मिल रही है और वो मजीद जाहिरियत का इर्तकाब कर रहा है। बाग आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 40 साल से जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मज़लूम की इस हमायत को भी फ़िरका वारियत की नज़र किया गया। इलामा इकबाल साजदी ख़तीब जामिया मस्जिद असना अशरी बाग ने अपने ख़िताब में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आएगा और इसराइल का नाजायज़ वजूद दुनिया से मिट जाएगा। यौमुल कुद्स व हिमायत मज़लूमीन मौरखा 5 अप्रैल 2024 बमुताबिक 25 रमज़ान मुबारक। अंजुमन जाफरिया जस्टर बाग के ज़ेर अहतमाम यौमुल कुद्स के इस एहतजाजी इज्तिमा में दर्ज ज़ैल क़रारदाद मंजूरी के लिए पेश की जाती है। नंबर एक, ये इज्तिमा इसराइल की जानिब से क़िबला अव्वल फ़लस्तीन पर ग़ासबाना कब्ज़े और मस्जिद अक्सा की मुसलसल बेहरमती की शदीद मज़म्मत करता है। नंबर दो, ये इज्तिमा गुज़श्ता 6 माह के दौरान गज़ा और रफा में मुसलसल बमबारी की शदीद मज़म्मत करता है, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में बेगुनाह सिविलियन फ़लस्तीनी खुसूसन ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए। नीज इसराइल के इस अमल को गैर इंसानी फेल तसव्वुर करता है। ये इज्तिमा अक़्वामे मुत्तहिदा और OIC के गैर फ़ाल किरदार पर अफसोस का इजहार करता है, उनकी बेबसी को तशवीश की नज़र से देखता है। नीज आलमी बरदरी से इसराइल से सफारती सतह पर बायकाट का मुतालबा करता है। ये इज्तिमा मुस्लिम उम्मत से उम्मा से मुतालबा करता है कि वह इसराइली मसनूआत का मौसर बायकाट करें और मजलूम फ़लस्तीनियों की मौसर इमदाद करें, खसूसन गजाई अजनास की अदम फराहमी और भूख की वजह से मुतासरीन की हर तरह की इमदाद की जाए। ये इज्तिमा गजा के मुहासरा की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और मुतालबा करता है गजाई इजनास के साथ मेडिकल की सहूलियात के लिए सरहदें खोली जाएं। यह इज्तिमा जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की भरपूर हिमायत के साथ साथ कश्मीर और फलस्तीन में बरसरे पैकार जहादी तंजीमों से अपने तआवुन का इजहार करता है। आपको एक